आप देख रहे हैं वसई सत्ता एक निष्पक्ष आवाज। वसई सत्ता में आपका एक बार फिर स्वागत है। बाला साहेब ठाकरे जी के जन्मदिन पर वसईपुर एवर्शन सिटी में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर के लिए उप शहर प्रमुख रमेश सारवी ने अपनी टीम के साथ कड़ी मेहनत की। इस मौके पर विशेष रूप से आमदार रविंद्र फाटक भी उपस्थित हुए। इस शिविर के विषय में रमेश सालवी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे इनके 95 के जन्मदिन के अवसर पर ये ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है। ये हमारा 29 साल से हम लोग कंटिन्यू ये ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। हर साल के जनवरी में जो साल का शुरुआत होती है तो हम लोग सामाजिक कार्य से ही करते हैं। ये पहला हमारा उपक्रम है, 29 साल से लगातार हमारा ये सामाजिक कार्य चल रहा है। आज कितना बॉटली कलेक्शन का टारगेट है? हमारा 100 का टारगेट है और ऐसा पूरा नाला सोपारा शहर में 24 जगह पे यानी कि 24 जगह के एक ही साथ चालू है और हमारा 2500 का दोनों जगह पे 24 जगह पे टारगेट है और हर साल हम लोग 2022 तक टारगेट पूरा करते आ रहे हैं। ये साल भी कोविड के वजह से और कोविड रुग्णों के लिए या जो है उनके लिए जो काम आ जाएगा वो सामाजिक काम हम लोग ऐसा ही आगे बढ़ाते रहेंगे। ब्लड बैंक कौन सा है? विजय ब्लड बैंक वसई वेस्ट। ये हमें हर साल उनका सहयोग अच्छा रहता है, उनका स्टाफ का, उनका डॉक्टरों का अच्छा सहयोग रहा है और आगे भी करते रहेंगे। हमारी ये रिपोर्ट अगर अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।